नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मिंग जोन में। मेरा नाम है अमजद और आज मैं आया हूँ रामगढ़ में और मैं आया हूँ श्री कृष्ण एग्रीकल्चर वर्क्स के अंदर। यहाँ पे थ्रेसर बनाने का बहुत बड़ा कारखाना, ये जो थ्रेसर आप देख रहे हैं ये सारी थ्रेसर यहीं पे बनाई गई है। तो हम बात करेंगे ये जो थ्रेसर है इनके अंदर कौन सी चादर लगाई जाती है, कौन सा गेयर बक्सा होता है, कौन सा हेड लगाया जाता है, कौन सी चादर लगाई जाती है, यही सारी बातें हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। और हमसे मिलेंगे जो श्री कृष्ण एग्रीकल्चर्स के जो मालिक हैं वो हमसे मिलेंगे और ये जो थ्रेसर है इनके बारे में बताएंगे। इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए किसान भाइयों, आपका टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं श्री कृष्ण एग्रीकल्चर्स के मालिक। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है अपना? अमन यादव। अमन यादव, अमन ये बताइए अपनी जो फर्म है किस नाम से और कितने सालों से आप यहाँ पे थ्रेसर बनाने का काम कर रहे हैं? अपनी फर्म है श्री कृष्ण एग्रीकल्चर वर्क्स के नाम से। कितने सालों से काम कर रहे हैं? 9-10 साल हो गए साहब। किसानों के लिए थ्रेसर बना रहे हैं? 9-10 साल से किसानों को सेवाएं दे रहे हैं। तो आपके यहाँ पे कहाँ कहाँ के किसान जो हैं वो थ्रेसर लेने के लिए आते हैं? ऑल ओवर इंडिया ही आते हैं, महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा, एमपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हर जगह के, गुजरात से भी ऑर्डर आते हैं, पंजाब से भी आते हैं, राजस्थान से भी आते हैं, सब जगह से आते हैं। तो सब जगह से ऑर्डर आते हैं। तो आप ये बताइए अमन, आपकी जो थ्रेसर है उसके बारे में थोड़ा सा हमारे किसानों को बताएं ताकि वो जान सके आपकी थ्रेसर कैसी होती है। ये जो थ्रेसर है इसके बारे में बताइए, इसमें जो आपने ये चेचिस लगाया कौन सी कंपनी का? विजाग का चेचिस है साहब। विजाग का चेचिस। इसके अंदर जो व्हील है वो कितने केजी का है? ये व्हील 220 किलो वाला है। 220 किलो वाला है। और ये लोहे का है बूरी का? लोहे का व्हील है। लोहे का व्हील है। इसके अंदर जो शाफ्ट है वो 80 mm की शाफ्ट है। 80 mm की शाफ्ट है इसके अंदर। और ये कौन सा मॉडल है ये जो थ्रेसर? ये भूत मॉडल है साइड पंखे के अंदर। साइड पंखा, ये मनोरपुर मॉडल है साइड पंखे में। ये जो पंखा देख रहे हैं साइड में आता है, इसको टू फैन मॉडल बोलते हैं। दो भूसे वाले होते हैं। दो भूसे वाले। इसमें जो इंगल लगाई हुई है ये कितने एमएम की है? ये 65-10 की एंगल है। 65-10 की एंगल इसमें लगाई हुई है। और इसका जो ड्रम साइज है वो क्या रखा है? ये 32 का है। 32-46 का। 32-46 का। 32-46 का इसका ड्रम है। अगर हम इसके गियर बक्से की बात करें, 6 जॉइंट का है साहब इसके अंदर। 6 जॉइंट का गियर बक्सा है? हाँ जी। तो आप देख सकते हैं 6 जॉइंट का गियर बक्सा है इसका। गियर बक्सा जो है, ये जॉइंट जो आप देख रहे हैं ये 6 जॉइंट है और 6 जॉइंट का गियर बक्सा है। अभी तक हम 5 जॉइंट आपको दिखा रहे थे लेकिन ये 6 जॉइंट का है और बड़ी मशीन है ये। और इसकी जो हेड साइज है वो क्या है? 3 कट के अंदर है, 14-16-18 का। 14-16-18 का हेड है। बड़ा हेड है, बड़ा कन्वेयर है जिससे कि निकासी ज्यादा होती है। आपको सिर्फ ट्रैक्टर लोड नहीं लेता इस पे। लोड नहीं लेता ट्रैक्टर, लोड फ्री चलता है ट्रैक्टर। और केवल आपको फेंकना है इसके अंदर और कुछ नहीं करना है। काफी हैवी ड्यूटी की मशीन है ये। अगर हम बात करें इस मशीन के और फीचर की तो इसमें काफी ऐसे फीचर हैं जैसे कि ढोलकी है, 3 का सपोर्ट है इसमें ढोलकियों का। 3 ढोलकियों का सपोर्ट के अंदर है। जैक का सिस्टम है, जैक का सिस्टम लगा रखा है इन्होंने। एडवांस टेक्नोलॉजी है, कहने का मतलब ये है एडवांस टेक्नोलॉजी है। और इसमें चेकर की चादर है, 4 mm की है। मच्छी चादर बोलते हैं जिसको, मच्छी चादर बोलते हैं जिसको। ये ऊपर के भूसा फेंकने के, इसमें भी 4 mm चेकर की चादर है। एक इसमें टूल बॉक्स आप दे रहे हैं, एक टूल बॉक्स है साहब। और विद एलिवेटर के साथ, विद एलिवेटर, मनोरपुर का एलिवेटर है, मनोरपुर से बनाया हुआ एलिवेटर है ये वाला। और अगर कोई नहीं लेता है तो एलिवेटर तो उसके तो रुपए कटा देते हैं, कम हो जाते हैं। जो जो माल नहीं लेता वो माल के रुपए माइनस हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो ये श्री कृष्ण एग्रीकल्चर्स कटिंग की हुई है और ये मनोरपुर की कटिंग है, मनोरपुर की कटिंग है ये वाली। यहाँ से कुछ सामान लेते नहीं साहब? यहाँ से कोई सामान नहीं लेते, मनोरपुर से लेते हैं जो भी सामान लेते हैं। तो ये किस किसान ने बनवाई है? ये यूपी के भाई साहब इन्होंने बनवाई। जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सलीम है जी। सलीम, सलीम भाई कौन सा गांव पड़ता है आपका यूपी में? जिला जिला सहारनपुर पड़ता है हमारा। जिला सहारनपुर। गांव कौन सा पड़ता है? गांव पड़ता है कुंडा चौसाना जी। तो आप ये बताइए कि आपने थ्रेसर ली है यहां पे, कैसी है इनकी थ्रेसर? एक नंबर का काम करती है सर। एक नंबर का। कैसे? पिछले साल 5 थ्रेसर में पिछले साल लेके गया था और 5 अब की बार बना रहा हूँ। 5 थ्रेसर पिछले साल लेके गए थे और 5 थ्रेसर अब आप लेके जा रहे हैं? ये ट्रैक्टर इधर सारे कम से कम 10 ट्रैक्टर खड़े हैं यहाँ पे। 10 ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, सब आप ही के ट्रैक्टर हैं। तो आपको बढ़िया लगी थ्रेसर? अच्छी लगी तो दोबारा आए यहाँ पे। दोबारा आए? अच्छी नहीं लगती दोबारा नहीं आते फिर यहाँ। दोबारा नहीं आते।
तो इतना अच्छा काम करती है, सफाई का काम करती है, बिल्कुल बढ़िया दाना साफ निकलता है, बिल्कुल दाना साफ आता है, भूसे में कोई दाना नहीं जाता है, दाना भी नहीं फोड़ती, बिल्कुल नहीं दाना फोड़ती है, भूसे में कोई दाना नहीं जाता, कोई दाना नहीं जाता भूसे में। क्या क्या चीजें आप निकाल चुके हैं इससे? इससे में सर सोयाबीन महाराष्ट्र में होता है जो जी, तो होता है वहाँ पे, वो निकाल चुका हूँ, चना निकाल चुका हूँ, और जी सरसों गेहूँ तकरीबन जमारी तकरीबन सब सामान निकाल चुका हूँ, सभी अनाज निकाल चुके हैं। तो कहीं वाइब्रेशन वगैरह तो नहीं आता? नहीं है, लोड फ्री चलता है ट्रैक्टर। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे किसानों के लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ सर, जो भाई किसान मशीन लेना चाहे तो अमन भाई है हमारे, इनके पास आगे इनसे संपर्क करें, एक नंबर भाई साहब, वो तो विश्वास वाली बात, विश्वास पे काम करते हैं। एक बार आपसे थ्रेसर गोदाम यहाँ पे का तकरीबन 10-20 गोदाम यहाँ पे है, हमें अच्छा यहाँ पे लगा तो इसलिए यहाँ पे आए। हाँ, काफी कारखाने हैं, ये हमें जुड़े दो सीजन हुए, कम से कम 20-25 मशीन उठा चुके हैं, 25 मशीन हमारे पास गांव के आसपास में दिला चुके हैं आप जी। और भी ये किसान कहाँ से आए होते हैं? ये भाई साहब से पूछो, ये आप भी वहीं से आए? नमस्कार, क्या नाम है आपका? है जी इस्तकार। इस्तकार जी, आपने थ्रेसर चलाई है इनकी? कैसी है थ्रेसर? अच्छी थ्रेसर है। दाना वगैरह फोड़ने की शिकायत तो नहीं है? दाना उठाने की शिकायत तो नहीं है? वाइब्रेशन वगैरह तो नहीं करती? धड़धड़ा रहती तो नहीं है? बहुत अच्छी मशीन चलती है। अच्छा, आप ये बताइए गेहूं में कितनी निकासी आ जाती है? गेहूं में निकासी 30-32 बोरी की आ जाती है। 30-32 बोरी की आराम से आ जाती है। सरसों की ज्यादा आ जाती होगी? जी। वो तो गल्ले देने पर भी डिपेंड, गल्ले देने पर भी, चलाने वाले पे भी निर्भर होता है। क्या क्या निकाल चुके हैं आप इसे? तो सोयाबीन सरसों सब निकाल चुके। तो अब आप खुश हैं इस बार? कितनी मशीन लेके जा रहे हो? इस बार 6 मशीन लेके जा रहे हो? 6 मशीन लेके जा रहे हो। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे किसानों को? इस कार जी, बहुत अच्छी मशीन है जी, जिस भाई ने बनवाने हमें अमन से संपर्क करें जी, श्री कृष्ण एग्रीकल्चर में संपर्क करें अमन से। फोन पे ऑर्डर देते हैं आज तक, मतलब कि दुकान पे आते हैं, बस लेने आते हैं, ऑर्डर फोन पे होते हैं, फोन पे ऑर्डर कर देते हैं जी। आप कहाँ से आए? नमस्कार, कहाँ से आए आप? यूपी से, सहारनपुर। क्या नाम है आपका? अनीस। अनिश भाई, आप ये बताइए, थ्रेसर आपने पहले चलाई है इनकी? नहीं जी, मैंने नहीं चलाई, पहली बार ले रहे हैं। जी, अच्छा लगा इसलिए आइए हमारे साथ में। जी। अच्छा, ये लेकर जाऊंगा, कल्लू भाई है जी, इसके संपर्क है इनके साथ में जी, ये मशीन बनवाई इनने मेरी, आने की जरूरत नहीं पड़ी, आने की जरूरत नहीं पड़ी, वहीं से इस भाई ने पैसे डाल दिए थे इनके खाते में जी, वही जो भी डाल दी थी जी, बनवा दी मशीन। चलते हुए देखी आपने इनकी मशीन? चलते हुए देखी, अच्छी चलती है। कैसी चलती है? बहुत अच्छी चलती है, सब निकालती है, सोयाबीन चना उड़द मूंग गेहूँ सब, सरसों सब, बहुत चीज निकालने है जी, बहुत चीज निकालती, सब कुछ निकालती है। तो मशीन आपने चलते हुए देखी, कैसी चलती है? कहीं दाना वगैरह तो नहीं फोड़ती? नहीं, दाना वगैरह नहीं फोड़ती, बहुत अच्छी मशीन चलती है, निकासी बढ़िया आती है, निकासी बहुत अच्छी आती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे किसानों के लिए? हम ये कहना चाहेंगे इनकी अच्छी मशीन चलती है, आए अमन भाई से संपर्क करें, बहुत अच्छी मशीन बनाते हैं जी, बहुत अच्छी मशीन बनती है, अच्छी मशीन बनती है। तो यहाँ पे काफी किसान है जो ये कह रहे हैं कि अच्छी मशीन है। तो यहाँ पे आपने देखा सभी किसान है, यहाँ पे सबने यही कहा है यहाँ पे के भाई जो मशीन है हम पहले सीजन में लेके गए, मशीन बढ़िया लगी, अच्छी मशीन है, मशीन में वाइब्रेशन नहीं है, दाना नहीं फोड़ती, और मशीन लोड फ्री चलती है जो ट्रैक्टर है, और मशीन में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आती है किसी भी तरीके की। तो ये किसान है जो कभी झूठ नहीं बोलते, और किसान कभी झूठ बोलता भी नहीं है, क्योंकि वो उसकी जो कमाई होती है खून पसीने की होती है, वो ऐसे तो जाया नहीं करता। तो हम भी यही कहते हैं, अगर आपको मशीन लेनी है तो आप श्री कृष्ण एग्रीकल्चर वर्क्स के अंदर रामगढ़ में आइएगा। ये एड्रेस क्या पड़ता है यहाँ पे? भावसिद्ध मंदिर के, भावसिद्ध मंदिर के पास, रामगढ़ में आने के बाद हमें कॉल कर सकते हैं, हम उसको स्टेशन तक लेने के लिए सुविधा है हमारे पास, स्टेशन तक लेने के लिए सुविधा है इनके पास में, ये स्टेशन से ले आएंगे। अगर आप रामगढ़ में कहीं पे भी है मेरे को संपर्क कर ले, फोन कर ले, फोन नंबर भाई साहब नीचे डाल देंगे। जी हाँ बिल्कुल, नंबर आपको डिस्कशन में मिल जाएंगे या डिस्प्ले पे मिल जाएंगे। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे काफी सारे किसानों ने अपने अपने फीडबैक दिए, और इन्होंने चलाई हुई है मशीन, इसीलिए बता रहे हैं कि बढ़िया मशीन है। तो हम भी यही चाहते हैं कि आप भी बढ़िया मशीन लेके जाइए यहाँ से रामगढ़ से। और तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप हमारे इस चैनल पे नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं अमजद मिलता हूँ इसी तरीके से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।